दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में 4 मई की रात को पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किए गए ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार को अपनी गलती का एहसास हो रहा है। सलाखों के पीछे पहुंचते ही सुशील कुमार टूट गए और फूट फूट कर रोने लगे। सुशील कुमार किडनैपिंग, मर्डर और आपराधिक साजिश का उन पर आरोप है, जिसके चलते उनको उम्र कैद या फांसी की सजा मिल सकती है। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के वकील प्रशांत मनचंदा ने बताया कि सुशील कुमार पर अपहरण, हत्या और आपराधिक साजिश का आरोप है। जी हां, इन आरोपों के साबित होने की स्थिति में कम से कम उम्र कैद की सजा एवं अधिकतम फांसी तक की सजा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा जुर्माना भी किया जा सकता है। तीनों आरोपों में अलग से सजा सुनाई जा सकती है। हालांकि इन तीनों अपराधों में सजा एक साथ चलेगी, इसीलिए कम से कम एवं अधिक से अधिकतम का फॉर्मूला ही लागू होता है। लॉकअप की फर्श पर बैठे सुशील कुमार को अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। वो लॉकअप में फूट फूट कर रोने लगे। जब पुलिस ने उसे बाहर निकाला तो उसने वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपनी गलती स्वीकार की और कहा कि वह सिर्फ डराना चाहता था। वहीं क्राइम ब्रांच के हिरासत में उसने पूरी रात जाग कर बिताई, यहाँ तक कि उसने भोजन करने से भी मना कर दिया। वह हिरासत में भी रात भर रोता रहा। हालांकि अजय शांत होकर बैठा था और उसने खाना भी नहीं खाया। आपको बता दें कि सुशील ने बातचीत के क्रम में सुबकते हुए वरिष्ठ अधिकारी के सामने अपनी गलती स्वीकार की। उसने कहा कि वह सिर्फ डराना चाहता था, इसलिए सागर और समेत उसके साथियों की पिटाई की गई थी। वहां पर हथियार भी इसीलिए लाए गए थे। इस पूरे घटना का वीडियो भी खौफ पैदा करने के लिए बनवाया गया था। उसने बताया कि घटना के बाद ही वह छत्रसाल स्टेडियम में ही था, लेकिन चोट ज़्यादा लग जाने के कारण जब सागर का निधन हो गया और इसकी सूचना मिली तो वह वहां से भाग गया। जी हाँ, तो इस पर आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या आप भी चाहते हैं कि सुशील कुमार को जल्द से जल्द फांसी हो, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। सुरभि की रिपोर्ट।